हाय गाइस, मेरा नाम है कल्पेश गर्ग और अपने इस वीडियो में आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मोबाइल से आप अपने बैंक का जो पैसा है वो किसी अन्य के खाते में किस तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास SBI का खाता है या फिर ICICI का खाता है या फिर HDFC का या फिर एक्सिस बैंक का, तो वो अपने सारे जितने भी बैंक हैं वो अपना ऐप बनाए हुए हैं और उन ऐप का यूज़ करके आप अपने खाते का पैसा है वो दूसरे खाते में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम SBI से एक खाते से दूसरे खाते में पैसा भेजने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप देखते रहिए। और एक खास निवेदन कि अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर मैंने SBI एनीवेयर पर्सनल ऐप जो है वो डाउनलोड कर रखा है और डाउनलोड करके यहाँ पर मैंने रजिस्ट्रेशन भी कर दिया है। यह ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी होता है, और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसकी पूरी प्रोसेस मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहाँ पर एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को देखकर अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन करने पर आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाना होगा और वो यूज़र आईडी और पासवर्ड आप यहाँ पर डालकर लॉगिन करेंगे। चलिए यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने की जो प्रोसेस है वो मैं उसको हाइड कर रहा हूँ, वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा सिक्योरिटी रीज़न के लिए। अब दोस्तों, जैसे ही आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाता है। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। ये देखिए, कुछ मेन्यूज़ बने हुए हैं। पहला मेन्यू है माय अकाउंट, दूसरा है फंड ट्रांसफ़र, तीसरा है ई डिपॉजिट, चौथा है टॉप अप रिचार्ज, बिल पेमेंट, UPI रिक्वेस्ट सर्विस और क्विक ट्रांसफ़र एंड डोनेशन। तो अगर आप अपने एक खाते में से दूसरे खाते में पैसा भेजना चाहते हैं या किसी और के खाते में पैसा भेजना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको फ़ंड ट्रांसफ़र करना है। अब फंड ट्रांसफ़र के अंदर आप जाएंगे तो अगर आप सेल्फ अकाउंट, अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा भेजना चाहते हैं तो ऊपर वाला जो सेल्फ अकाउंट है उसको चयन करिए आप। अदर SBI अकाउंट, अगर आप किसी दूसरे SBI अकाउंट में पैसा भेजना चाहते हैं, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है दूसरा, उसमें भेजना चाहते हैं तो आप SBI सिलेक्ट करिए। तीसरा है अदर बैंक अकाउंट, अगर SBI नहीं है, SBI से अलग एक्सिस है, ICICI, HDFC, कोई भी दूसरा बैंक है उसमें पैसा भेजना है तो तीसरे वाला सिलेक्ट करिए। लेकिन ये ऊपर वाले तीन अगर आप उपयोग में लेते हैं तो यहाँ पर नीचे आप देखिए, बेनिफिशियरी ऐड होना बहुत ज़रूरी है। ऐड बेनिफिशियरी, अगर आपके पास बेनिफिशियरी ऐड किया हुआ है तो उसी को आप ऊपर वाले तीन ऑप्शन यूज़ करके पैसा भेज सकते हैं। बेनिफिशियरी कैसे ऐड करते हैं उसका वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से देखकर आप बेनिफिशियरी क्या है और क्यों ऐड करना है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आपका बेनिफिशियरी ऐड नहीं है तो आपके लिए सबसे उचित जो ऑप्शन है वो है क्विक ट्रांसफ़र। यहाँ पर देखिए क्विक ट्रांसफ़र लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर क्विक ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से हम पैसा भेजना चाहते हैं तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे सेंड मनी के ऊपर। सेंड मनी के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर तीन ऑप्शन आएंगे। एक है स्कैन नाउ, आप किसी का QR कोड उसके मोबाइल में स्कैन कर लें और यहाँ से पैसा भेज सकते हैं। दूसरा है पिक फ्रॉम गैलरी, मतलब वो QR कोड अगर आपकी गैलरी में सेव है तो उसको आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। और तीसरा है पे यूजिंग अकाउंट डिटेल, आप उसके अकाउंट की डिटेल से भी पैसा भेज सकते हैं। यहाँ पर हमें ऊपर से डेबिट अकाउंट, मतलब जिस खाते से पैसा कटना है वो भी सिलेक्ट करना होगा, तो यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लिया है। और अब पे यूजिंग अकाउंट डिटेल, मतलब सामने वाले की अकाउंट डिटेल भरकर हम पैसा ट्रांसफ़र करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पर बेनिफिशियरी का नाम, बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर, बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर एक बार कंफर्म करें, IFSC कोड डालें, कितना पैसा ट्रांसफ़र करना है और यहाँ पर रिमार्क करके आप इसको यहाँ से सबमिट करेंगे। चलिए ये सारी डिटेल भर के मैं इसको सबमिट कर लेता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मैंने डिटेल भर दी है और डिटेल भरने के बाद मैं सबमिट कर रहा हूँ। अब ये हमें कंफर्म करने के लिए कहता है, तो हम यहाँ पर कंफर्म के बटन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही कंफर्म के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके बैंक में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उसके ऊपर एक OTP आता है। इस ट्रांजेक्शन को सक्सेसफुल करने के लिए वो OTP डालना ज़रूरी है, तो चलिए यहाँ पर मैं वो OTP डाल देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर OTP डालने के बाद हमें सबमिट करना है, और जैसे ही हम सबमिट करेंगे ये देखिए हमारा पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसका मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूं ताकि अगर मुझे इसकी ज़रूरत हो तो स्क्रीनशॉट से मैं इसकी डिटेल ले सकूं। तो दोस्तों, ये पूरा प्रोसेस था SBI से पैसा ट्रांसफ़र करने का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।
आज तक के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।